हाउ टू गेट योर वीडियो सजेस्टेड बाय यूट्यूब। तो अभी मैंने अपने चैनल के एक वीडियो को प्ले किया है। इस वीडियो के नीचे अगर आप देखोगे तो मेरे ही चैनल की दूसरी वीडियो सजेस्टेड में आ रही है। अब सजेस्टेड में जब हमारी वीडियो जाती है तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता है वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो। तो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो एक और मेरे चैनल की वीडियो मेरे वीडियो को नीचे सजेस्टेड में आ रही है। अब इससे मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि लोग मेरी एक वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जब दूसरी वीडियो सजेस्टेड में आ रही है तो उस वीडियो को भी देखने जाएंगे। अब मैंने अपना यूट्यूब ऐप क्लोज करके ओपन किया है और ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है जिस पर मैंने कुछ भी एक्टिविटी अभी नहीं की है। तो यूट्यूब वापस से मुझे मेरी वीडियो होम पेज पर सजेस्ट कर रहा है और मैंने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। अब जैसे जो मेरा वीडियो होम पेज पर आ रहा था मैंने उस वीडियो को ओपन किया तो इस वीडियो के नीचे भी मेरी ही वीडियो सजेस्टेड में आ रही है। तो अब ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि मेरे चैनल की वीडियो सजेस्टेड में जाते हैं, पर मैं कैसे अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को सजेस्टेड में या होम पेज पर लेके आता हूँ और कैसे आप लोग अपने नए यूट्यूब चैनल के वीडियोस को सजेस्टेड में या होम पेज पर लेके आके अपने चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना होगा क्योंकि वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज सब कुछ बताया है। अब यूट्यूब हमारे वीडियोस के नीचे कौन सी वीडियो को सजेस्ट करना है या कौन से यूज़र के सामने किस वीडियो को होम पेज पे दिखाना है ये कैसे डिसाइड करता है, तो ये यूट्यूब डिसाइड करता है हमारी सर्च और वॉच हिस्ट्री से। अब आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा तो आप लोग इस क्लिप को एक बार वॉच कर लो। These are videos YouTube recommends based on what viewers were watching beforehand, related topics, and past watch history. You can find them on the right side of the watch page, below the video you're watching on the mobile app, and as the next video to autoplay. Suggested videos can be from any channel, including more from the one you're watching. तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, YouTube Tider का ऑफिशियल चैनल है जहाँ पर उन्होंने 3 साल पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि यूज़र के सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री के ऊपर जो है उनकी वीडियो सजेस्टेड में जाती है। अब आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर बताया जाता है अगर आपको किसी वीडियो के नीचे अपनी वीडियो को सजेस्टेड में लेकर आना है तो उसके लिए आप लोगों को सेम टाइटल लिखना होगा या सेम एज इट इज़ टैग कॉपी करके अपने टैग में यूज़ करना होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, ऐसे अगर आप करोगे तो कभी भी आपका वीडियो सजेस्टेड में नहीं जाएगा। तो आखिर कौन सा तरीका है जिससे हमारी वीडियो सजेस्टेड में या ब्राउज फीचर में जाती है? अभी मैंने अपने न्यू यूट्यूब चैनल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है एनालिटिक का, तो आप लोगों को एनालिटिक पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एडवांस मोड, तो आपको एडवांस मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस मोड पे क्लिक करोगे, एडवांस मोड पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आपको ऑप्शन मिलता है व्यूज़ बाय वीडियो, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये आप लोग मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। आपको व्यूज़ बाय वीडियो पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलता है मोर मैट्रिक्स, आपको मोर मैट्रिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है जो कि एंड स्क्रीन का, तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन एलिमेंट क्लिक जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ से आप लोगों को क्या पता चलता है, तो इस एनालिटिक्स से आप लोगों को पता चलता है कि कितने परसेंट यूज़र जो है या कितने व्यूवर्स जो है आपकी एंड स्क्रीन पे क्लिक करके आपके दूसरी वीडियोस वॉच करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि है हाउ टू इंक्रीज 5x व्यूज ऑन यूट्यूब, इस पे जो है 17 लोगों ने मेरी एंड स्क्रीन पे क्लिक किया है। तो एंड स्क्रीन पे क्लिक करने का और वीडियो को सजेस्टेड में लाने का क्या रिलेशन है, तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो का एनालिटिक ओपन करके बताता हूँ। तो ये वाला मेरा जो वीडियो है जिसपे 17 लोगों ने मेरी एंड स्क्रीन पे क्लिक किया था। अब जैसे मैं इस वीडियो का एनालिटिक ओपन करता हूँ तो एनालिटिक ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को इसका ट्रैफिक सोर्स बताता हूँ कि इस पर मुझे ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो कहाँ से मिला है। तो यहाँ पर जो है लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे वीडियो को फुल वॉच किया और वो मेरे वीडियो से दूसरे वीडियो को वॉच करने गए एंड स्क्रीन के थ्रू। तो अभी अगर मैं आप लोगों को इस वीडियो का एनालिटिक ओपन करके बताऊं तो यहाँ पर मैंने एनालिटिक ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग जो है इसके व्यूज़ देख सकते हो, 1000 इस पर व्यूज़ आ चुके हैं और मेरा चैनल बिल्कुल ही नया है। यहाँ पर अगर आप इसका ट्रैफिक देखोगे तो ब्राउज फीचर में 47% गया है, सजेस्टेड फीचर में 24% गया है। अब मैं आपको इसका रीच भी बता देता हूँ, इसका इंप्रेशन 1.5K लोगों तक के गए हैं, 1500 लोगों तक के इसका इंप्रेशन गया है। नीचे अगर मैं आपको इसका ट्रैफिक बताऊं तो सजेस्टेड वीडियो से मुझे ज़्यादा ट्रैफिक मिला है। मैंने इस पर अपने नए चैनल का भी ट्रैफिक भेजा है, उसके बावजूद मेरी ये वीडियो सजेस्टेड में जा रही है। तो देखो ये वीडियो सजेस्टेड में जाने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि मैंने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसके एंड स्क्रीन में मैंने इस वाले वीडियो को ऐड किया था। अब जब लोग मेरी उस वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं वो मेरी एंड स्क्रीन पे क्लिक करके इस वाली वीडियो को भी वॉच करने आ रहे हैं, तो इसे आप लोग एक सर्कल की तरह समझ सकते हो। जैसे मैंने मेरे मेन चैनल के एंड स्क्रीन पे इस वाली वीडियो की एंड स्क्रीन लगाई, लोग मेरे उस मेन चैनल के वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं और मेरे नए चैनल की वीडियो को भी देखने आ रहे हैं,
और नए चैनल के वीडियो को देखने के साथ साथ वो लोग मेरे आई कार्ड पे क्लिक करके वो मेरी दूसरी वीडियो भी देखने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये एक सर्कल बनता जा रहा है कि वो मेरी न्यू वीडियो को देखने आ रहे हैं, उसके बाद वो लोग जो है आई कार्ड या एंड स्क्रीन पे क्लिक करके मेरे चैनल की वापस दूसरी वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इससे YouTube को ये पता चल जाता है कि इस चैनल के वीडियोस में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो लोग इसके एंड स्क्रीन पे क्लिक करके वीडियो को वॉच करने जा रहे हैं। अब ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है जिसपे जो है कुछ परसेंट लोगों ने क्लिक किया था मेरी एंड स्क्रीन पे। अगर मैं आपको इस वीडियो का भी एनालिटिक बताऊं कि इस पे ट्रैफिक कहां से आया है तो आप लोग देख सकते हो ये वाली वीडियो भी मेरी सजेस्टेड में जा रही है। तो YouTube प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहाँ पर आप लोग जितना इंगेज करके रखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों की वीडियो सजेस्टेड और ब्राउज फीचर में जाएगी। अगर आपने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए और यूज़र YouTube पर आपकी वीडियो देखते देखते कोई और प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, कोई और वेबसाइट पे जा रहा है, तो इससे जो है उस यूज़र का व्यूअर सेशन खत्म हो रहा है, वो YouTube पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, वो आपकी वीडियो को देख के कोई और प्लेटफॉर्म पे चला जा रहा है। तो ऐसी वीडियो को YouTube कभी भी सजेस्टेड में नहीं ला। तो अगर आप लोगों को अपनी वीडियो को सजेस्टेड या ब्राउज फीचर में लेके आना है या होम पेज पे दिखाना है तो उसके लिए आप लोगों को एंड स्क्रीन और आई कार्ड का सही से यूज़ करने आना चाहिए। आप लोगों को अपनी वीडियो में कॉल टू एक्शन करना है कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आप लोगों को आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि वो आपके चैनल की दूसरी वीडियोस जाकर देखें। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल टू एक्शन हमेशा अपनी हर वीडियो में करनी चाहिए जिससे YouTube आपकी वीडियो सजेस्टेड या होम पेज में शो करे। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि 2021 में YouTube का एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है तो आप लोग हमारे चैनल की इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हो।